हेलो, तो कैसे हैं आप लोग भाई। आज हम बात करेंगे जब आप अपना ओपीडी अप्लाई करें और अगर आपका आरएफई आ जाए जो कि है रिक्वेस्ट ऑफ एविडेंस, तो आप क्या करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा, आरएफई में जो मोस्ट कॉमन थिंग है वो ये है कि वो मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट वो होती है 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की या 9 मंथ्स की। तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना है, उस बैंक अकाउंट से आपकी ट्रांजैक्शन से फीस क्यों होनी चाहिए और आप जो ग्रोसरी करते हैं उस चीज़ की। अगर आपने उस बैंक से अगर किसी को जैद किया है या और कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो कोई मसले की बात नहीं है, टेंशन ना लें उसमें। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि अगर आपकी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सिर्फ ये 2 चीज़ों की ट्रांजैक्शन हुई हो तो बेस्ट स्टेटमेंट होगी आपकी। सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें I-20 जो है वो आपके पास सारे अपने होने चाहिए। यूनिवर्सिटी दोबारा जनरेट करके नहीं देगा अगर आपने कहीं लॉस कर दिया है तो। ईमेल में आपके पास सेव होने चाहिए या आपने पास एक फोटो बनाया और सारे I-20 अपने पास जो आपको अभी तक I-20 मिले वो एक फोटो बना के रख दें अपने पास। बाकी जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं वो सारे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ना मेरे, एक होता है वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस, वो आप एड्रेस अपना है जहाँ आप रह रहे हैं वो आप दे देंगे। फिर जो उसके बाद आते हैं जो प्रोफेशनल तरीका है कि सबमिट किसना करना है, एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है ऑनलाइन जो है उनके ऐप पे जो है वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। प्रोफेशनल तरीका जो है वो ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालें। मेरा खुद आरएफई आया था तो मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकाला, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी मोटी गड्डी बनी, ऑलमोस्ट 300-350 डॉलर्स का डॉलर्स लगे हैं, थोड़ा आपका खर्चा होगा। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े इसमें पैसे खर्च करें और प्रोफेशनल तरीके से आप भेजें। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में रखें, जो उन्होंने जिस तरह से वो सीक्वेंस में उन्होंने मांगा उसी सीक्वेंस में आप दें और फिर USPS से उनके उधर एड्रेस पे सेंड करें। तो उसमें ये फ़ायदा है कि ये एक प्रोफेशनल तरीका है। जब आप उनको इस तरीके से देते हैं उनको होता है भाई हाँ बच्चे ने कोई मेहनत की है और जेन्युइन चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनके सामने प्रिंट आउट हुई हुई हैं, तो उनको देखने में आसानी होती है। तो 98-99% चांसेस है कि आपका OPT अप्रूव हो जाए। तो अगर आपका भी RFE आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे प्रिंट आउट करके आप जो है भेजें। आप ये ना करें कि ऑनलाइन अपलोड करें, प्रोफेशनल तरीके से भेजें तो 99% आपके चांसेस हैं कि आपका अप्रूव हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक।